how's it going? Bruh. It's your boy. Nigga shit. Imagine this. Okay? Imagine this. तुम 12 साल के लड़के हो ना, अभी अभी तुम स्कूल से घर आए हो एंड सोचते हो कि वैन वाले अंकल ने तुम्हें कहाँ कहाँ हाथ लगाया है। नहीं नहीं नहीं, एंड जब तुम लोग टीवी लगाते हो एंड टीवी पे क्या लगता है? खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, ऐसा सर्कस अपना ये घर, हर पल सब कुछ गड़बड़ हो। वो देखकर तुम पागल हो जाते हो, तुम ही नहीं तुम्हारी मम्मी भी अंदर से पागल हो जाती है। इन जो दोनों पागल सिटकॉम्स, या फिर मैं अपने देसी भाषा में बोलूं तो शोज या फिर सीरियल्स जो टीवी पे लगा करते थे, सिटकॉम्स आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसकी जगह ले लिया है अमेज़न या फिर नेटफ्लिक्स जैसे बड़े बड़े कंपनीज ने, जो कि अच्छा है, दे आर प्रोवाइडिंग गुड कॉन्टेंट टू अस। बट बैक इन द डे जब इंटरनेट पैदा ही हो रहा था एंड उस टाइम पे लैपटॉप्स या फिर हाईटेक गैजेट्स एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, तभी टीवी पे सिटकॉम्स या फिर शोज लगा करते थे। सो आज के वीडियो का टॉपिक भी यही है, हाउ इंडियन सिटकॉम्स वर अ थिंग एंड दे डाइड। फ्रेंड्स, जिसे इंडिया की आधी पब्लिक देख के खुद को कूल समझती है, वो उस टाइम पे सबसे पॉपुलर चीज थी। सिटकॉम्स ओरिजिनली वेस्टर्न कंट्रीज में मास में प्रोड्यूस होते थे। NBC, निकलोडियन, डिज्नी जैसे बड़े बड़े चैनल्स इन्हें एयर किया करते थे। वेस्टर्न कंट्रीज ने कई ऐसे क्लासिक सिटकॉम्स प्रोड्यूस किए थे जैसे फ्रेंड्स, ब्रुकलिन 99 या फिर द ऑफिस। एज टाइम पास्ड, इंडिया आल्सो स्टार्टेड टू पुट द डिश ऑन द टेबल। दूरदर्शन, जो कि इंडिया का सबसे पुराना चैनल है, दूरदर्शन पहले 24/7 न्यूज प्रोड्यूस किया करता था। बट एज द टाइम पास्ड, उसने एक ऐसा जेम दिया जो कि विच वॉज एक्चुअली रेवोल्यूशनरी। रामायण एंड महाभारत वर सो हाइप्ड शोज एट दैट टाइम। इंडिया में जितना भाव फ्रेंड्स को नहीं मिलता था, उससे डबल भाव रामायण एंड महाभारत को मिलता था उस टाइम पे। मेरे पापा ने मुझसे एक बार कहा था कि जब वो छोटे थे तो रामायण महाभारत पूरा एक्सक्लूसिव शो था ब्रो। एंड एज यू नो, उस टाइम पे ज्यादातर लोगों के पास टीवी नहीं होता था, तो जिसके पास भी टीवी होता था, मोहल्ले के सारे बच्चे जाके उसके घर पे जाके टीवी देखा करते थे, सिर्फ और सिर्फ महाभारत या फिर रामायण का शो देखने के लिए। बस आज की डेट में टीवी की जगह वाईफाई ने ले लिया। इट वॉज लाइक मिनी थिएटर एंड फ्री। लवणासुर, स्वयं लवणासुर की पत्नी। लोग लिटरली टीवी को पूछते थे जब भी वो शो लगता था। इन शॉर्ट, रामायण वॉज अ बिग हिट। धीरे धीरे ट्रेन कल्चर के जॉनर को छोड़कर कॉमेडिक सटायर एंड सीरियस जॉनर में पकड़ने लग गई। I like it, कजी। रामायण एंड महाभारत के बाद ऐसे कई सिटकॉम्स आने लग गए जो ऑडियंस को सच्ची पसंद आने लग गए थे। डिटेक्टिव योमकेश बख्शी, 1990 का सबसे क्लासिक शो। फौजी, हमारे किंग खान का फर्स्ट सीरियल या फिर सिटकॉम। सारा भाई सारा भाई, सारा भाई सारा भाई वॉज सो फकिंग अमेजिंग ब्रो। व्हाट अ लवली मॉर्निंग। आजकल के मेनस्ट्रीम कॉमेडियन यूट्यूबर सच एज मोस्टली सेन एंड अनिशा दीक्षित, जो कॉमेडी के नाम पे लिजिट कैंसर फैलाते हैं, बैक इन द डे सारा भाई वॉज प्रोड्यूसिंग लिजिट गोल्ड कॉमेडी। एज द टाइम पास्ट, कई ऐसे मेनस्ट्रीम चैनल्स आगे आने लग गए जस्ट लाइक सब एंड सोनी। सब वॉज एक्चुअली बूमिंग ड्यू टू देयर अमेजिंग शोज सच एज तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सजन रे झूठ मत बोलो, लापता गंज एंड मैप। All time favorite, FIR. FIR was one of the best shows I've ever seen. Oh ho, Pabi ji, क्या हुई थी बात रात को? बता दो हमें भी, शर्माओ ना हैं जी. Mom told him what is the hemming is the planning यार. Yeah, this one. भाई गोपी, गोपी स्किंग भाई, भाई गोपी स्किंग पीरियड। Then things started to change and this was the downfall of Indian sitcom. तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो एक टाइम पे सही सही एपिसोड्स निकाला करता था, बिकेम मेनस्ट्रीम, जो कि एक्चुअली था स्टार्टिंग से, राइट? एनीवेज, शोज लाइक FIR एंड 69 अदर्स बंद हो गए। इस टाइम तक ऑलमोस्ट सारे चैनल्स एक ही चीज प्रोवाइड कर रहे थे, वो था सास बहू का रंडा मचाना। बस दैट लाइक लेजिट रसोड़े में कौन था, लाइक मेरे आजोबा थे बहन के। नाउ लेट्स टाइम ट्रेवल, ओके? नाउ लेट्स टाइम ट्रेवल, ओके? करना बहन के। ये साल था 2013। डिज्नी जैसे बड़े बड़े कंपनीज इंडिया में आने लग गए थे एंड डिज्नी ने एक ऐसी चीज दी हमें जो कि किसी ने भी नहीं दी थी। या ये इस वीडियो का टॉपिक है सिटकॉम। बट डिज्नी ने हमें एक चीज ऐसी दी थी जो कि किसी भी मेनस्ट्रीम चैनल ने नहीं दी थी, दैट टीनेज थिंग।
मेरे पास और कोई वर्ड नहीं था इसलिए मैंने टीनेज थिंग बोल दिया था. सॉरी बट देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन मेनस्ट्रीम ड्रामा शिट एंड डिज्नी के सिटकॉम. डिज्नी फोकस करता था ऑन द टीनेज स्टफ जबकि ट्रेडिशनल इंडियन सीरीज फोकस करते थे ऑन द रिलीजियस और फैमिली साइड के चीजों पे. दैट्स व्हाई डिज्नी वाज द बेस्ट. अब इन सब सिटकॉम्स में वेस्टर्न कल्चर का टच था. लाइक बेस्ट ऑफ लकनी की वॉज फ्रॉम गुड लक चार्ली. सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर वॉज फ्रॉम सूट लाइफ ऑफ जेक एंड कोडी. यू गॉट द पॉइंट. डिज्नी ने और कई शोज भी इंट्रोड्यूस किए थे लाइक शेक इट अप, ओए जस्सी, पलक पे झलक, तुम्हारी फेवरेट तारा सुतारिया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की, इसने अपना डेब्यू सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर एंड ओ जस्सी जैसे डिज्नी सिटकॉम से ही चालू किया. आर्ट अटैक इंडियन वर्जन था ऑफ वेस्टर्न कंट्री का आर्ट अटैक. उसके बाद है अपना फेवरेट, अपना मनपसंद फ्रेंडली नेबरहुड पोगो. तुम लोग को याद है पोगो पे संडे के दिन हैरी पॉटर की मूवी लगती थी. एंड या सब टीवी पे पुराने सब टीवी पे लाइक संडे को रात में 8:30 बजे पुराने फिल्म्स लगा करते थे लाइक 70s या 80s के. या ऑफ टॉपिक नहीं जाना है हमें. ये था साल 2008 एंड उस टाइम तक पोगो ने ऐसा शो इंट्रोड्यूस किया था विच वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम. का नाम था सुनैना. बादलों की सीढ़ियां है चांद का स्टेशन, उससे भी आगे कहीं उसका डेस्टिनेशन. सपनों की उड़ान उसकी जेट प्लेन जैसी, देखती है सोचती है बातें कैसी कैसी. ज्यादातर लोगों को नहीं पता बिकॉज इट वॉज नॉट दैट फेमस एंड ये बहुत जल्दी खत्म भी हो गया था. जो बच्चे 2003 या फिर 2000 के अराउंड पैदा हुए थे उन लोगों को पता है कि सुनैना क्या चीज. लेट मी एक्सप्लेन. सो सुनैना 15 साल की लड़की होती है जिसे रात में सपने आते हैं, लिजिट नाइटमेयर्स, एंड वो सुबह सच हो जाते हैं. एंड वो और उसके दोस्त उस सपने को प्रिवेंट करने का पूरा ट्राई करते हैं. सुनने में अजीब लगेगा बट देखने में इट वॉज लाइक बेस्ट ट्रीट, यू कैन से इट वॉज अ ट्रीट. बट अनफॉर्चुनेटली ये शो बहुत जल्दी खत्म हो गया. जिस साल में शुरू हुआ था उसी साल में खत्म भी हो गया. कैसे? एंड देन द ट्रेन वेंट डाउन हिल. सारे चीजें अब नेगेटिविटी के थ्रू जाने लग गए. डिज्नी ने अपने सारे सिटकॉम्स निकाल दिए. पोगो ने तो पूरा चैनल ही बंद कर लिया. हमारा फेवरेट आर्ट शो मैड रॉब द आर्टिस्ट इंटरनेट पे आ गया. बाद में इंटरनेट की दुनिया आ गई. नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन टॉप पे आने लग गए एंड धीरे धीरे टीवी का कल्चर खत्म होने लग गया. आई रियली विश, मेरी एक विश थी. एंड या मैं तो भूल गया, तुम लोगों को याद है निकलोडियन पे जब हैना मोंटाना लगता था, मम्मी मुझे देखने नहीं देती थी वैसे. बट मेरी एक बहुत बड़ी विश थी कि मैं इन डिज्नी शोज में से एक में तो भी काम करूं. बट ऑब्वियस सी बात है मैं वो काम नहीं कर सकता बिकॉज आई एम अगली. सो दैट वॉज द वीडियो बॉयज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. उनको बताओ कि ये दिन कितने सही थे एंड वो मर गया. अब नहीं मिलेंगे वो वापस से दिन. थैंक यू वॉचिंग. बाय. ओमाए वा मू शिंदेयू.